दंतेश्वरी माई चो जय। सपान सियान सजन मन, आया दीदी मन, बहन भाई मन, सबके हाथ जोड़ून जोहर। दंतेश्वरी माता की धरती है, आज भरोसे का सम्मेलन है। इतनी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूं, मेरी बहनें यहां आई हैं मेरी बातें को सुनने के लिए। क्यों आई हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूं, मुझको तो आप जानते नहीं हैं। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे, आपके संपर्क में आए, उन्होंने आपके लिए कार्य किया, विकास किया। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। पूरी देश में वो घूमी और शायद मैं पहली बार यहां आ रही हूं बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूं, आपकी संस्कृति को जानती हूं, यहां की कहानियों को जानती हूं और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूं, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। और आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम किया यहां, उसी भावना से किया, उसी भरोसे की वजह से किया। देखिए, जीवन का जो भी रिश्ता होता है, चाहे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सहेलियों के साथ हो, काम करते हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ, हर रिश्ते में भरोसे की जरूरत होती है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो भरोसे के बिना हो सकता है। अभी मैं यहां आपके सारे स्टॉल देख रही थी तो वहां कोने में शायद एक आइसक्रीम बनाने का स्टॉल है। एक मेरी बहन खड़ी थी, उसने कहा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन बहुत प्यार से मुझे कहा कि दीदी आप मत खाओ, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको बोलना है, ठंडा मत खाओ। देखो, एक पल में मुझसे रिश्ता जोड़ दिया, एक पल में मेरी सहेली बन गई, और ये भरोसे के आधार पर ही होता है। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? भरोसा ही होता है। आज हम सब नेता इस मंच पे खड़े हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनती है हम आपके लिए काम करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप पब्लिक हैं, कि कितने नेता आते जाते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, कैसे कैसे वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरे करने वाले नेता, उन वादों को पूरे करने वाली पार्टियां बहुत कम होती हैं। वोट देने के समय तो सब आ जाते हैं, लेने के समय, लेकिन काम करने के समय कौन कितना करता है, इसका मूल्यांकन आप पब्लिक के जो हैं भाई बहन सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक जगह की जो पहचान होती है वो तीन चीजों से होती है। उसकी संस्कृति को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, और शासन सत्ता में जो है उनको आपकी आवाज को का मान सम्मान करना चाहिए। यही तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने सुना होगा ये नारा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सुना है?
इस नारे में ही सब कुछ है। इस नारे में आपकी संस्कृति का मान सम्मान है, आपकी आवाज सुनाई देती है और आप यहाँ के लोगों का मान सम्मान है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से एक जमाना था जब यहाँ आने से लोग डरते थे, हिंसा थी, भय था, और आज वही जगह, वही बस्तर एक ब्रांड बन गया है। आपकी पहचान पूरे देश में नहीं, विदेश में भी है। मैंने यहाँ देखा आपकी हस्तकला को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने देखा कि किस तरह से मिलेट के सब पदार्थ बनाए जा रहे हैं, किस तरह की पैकेजिंग हो रही है, और आपको मदद मिल रही है कि ये विदेश में भी जाए, पूरे देश भर में बेचा जाए। जहां आपको कम मिलता था उसी चीज के लिए, अब उस पैकेजिंग के साथ, सरकार की मदद के साथ, आज आपकी आमदनी बन रही है। मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि सबसे बढ़िया संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, और वो सबसे ज्यादा आदर इस बात की करती थी कि आप प्रकृति का सम्मान करते हैं, कि जब आप अपनी आमदनी को बनाते हैं तो आप प्रकृति का कभी नुकसान नहीं करते, उसका आदर करते करते ही आप अपनी आमदनी बनाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इसी तरह आपका सम्मान किया है और आपकी ही संस्कृति के तहत आपके लिए स्कीम बनाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जहां तक मुझे सुनने में आता है, और मैं आप सबसे अभी मिली भी, इससे आपका बहुत लाभ हुआ है। एक महिला मुझे बता रही थी कि एक साल पहले वो कुछ नहीं करती थी, घर संभालती थी, काम था, लेकिन इस तरह से उनको रोजगार नहीं मिला, इनको मदद नहीं मिली जिस तरह से आज मिल रही है। आज वो साड़ियां बना रही हैं, सिल्क बना रही हैं, और उससे उनकी आमदनी बहुत बड़ी है। इससे महिलाओं का, मेरी बहनों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि हम भी अब परिवार में कुछ कमाई लेके दे रहे हैं, कुछ आमदनी अपनी बढ़ा रही हैं। इससे आत्मविश्वास में भी बहुत फर्क पड़ता है, परिवार के लिए भी बहुत मदद होती है। ये जो नारा है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में आज गूंज रहा है, ये खोखला नारा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर सबसे कम है, सबसे ज्यादा वन अधिकार यहां दिए गए हैं, सबसे ज्यादा MSP, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं लेकिन 60 से ज्यादा चीजों के लिए आपको आज MSP मिल रही है। यहाँ का स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इनकी तारीफ कर रही हैं। आपका ब्रांड चाहे पर्यटन में हो, चाहे हस्तकला में हो, चाहे पाठशालाओं के बारे में बात हो, चाहे वन उपज का जो MSP आपको मिल रहा है, चाहे फिल्म शूटिंग के लिए, यहाँ का ब्रांड बन चुका है और बस्तर मशहूर हो चुका है। इसका मतलब है कि आपकी सरकार आपकी मजबूती के लिए काम कर रही है, आपका भरोसा तोड़ा नहीं है, आपके भरोसे पर ही चल रही है। आपकी मेहनत से ही ये नारा बन पाया है और आपकी मेहनत की पूरी पहचान ये सरकार कर रही है। आपने इससे पहले 15 सालों का भाजपा का शासन भी देखा, आपने उन पर भी भरोसा किया था, ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा उन्होंने रखा नहीं। यहाँ पर भय, भूख और खूब भ्रष्टाचार चला, आपकी जमीन छीनी गई, आपके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, घोटाले पर घोटाले किए गए, आपको निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया, आपको इस तरह से स्कीम नहीं दिलवाई जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सके, आपको सरकार पर निर्भर बनाया। आपका आत्मविश्वास हर तरह से भाजपा की सरकार ने तोड़ा, आपकी अनदेखी की। उस समय गौ माता सड़कों पर आवारा घूम रही थी, स्वयं सहायता की बहनों पर भारी कर्ज का बोझ था, स्वास्थ्य सेवाएं लचर थी, 3,000 स्कूल बंद हो चुके थे
और 4.5 लाख बच्चे कुपोषित थे। कांग्रेस ने इन 5 सालों में आपका गौरव आपको वापस लौटाया है। आज देखिए, आदिवासी पर्वों के लिए भी हर पंचायत में सरकार पैसा भेजेगी ताकि आप गौरव से, गर्व से अपने पर्व मना पाएं। आपके हाथों को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश रही है। तेंदू पत्ते के लिए 4,000 रुपए प्रति बोरा मिल रहा है, जो पहले मुमकिन ही नहीं था। मेरी आदिवासी बहन भाइयों के लिए 65 वन उपजों के लिए MSP मिल रहा है। आदिवासियों को और किसानों की 4,200 एकड़ जमीन लौटाई गई, आपसे जमीन छीनी नहीं गई। पहले नक्सल घटनाएं होती थी, आज बस्तर का ब्रांड बना है। 5 लाख लोगों को वन अधिकार के पट्टे मिले, और आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले ये काम इंदिरा जी ने किया था। आज यहां इस मंच पर खड़े होकर हमें बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि धान की सबसे ज्यादा MSP 2660 रुपए यहां मिल रही है। हमें गर्व है कि 18 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। आपको वादा किया था, वचन दिया था, और वो वचन पूरा किया गया। हमें गर्व है कि यहां 42,000 करोड़ का निवेश हुआ है और 2,750 नई औद्योगिक इकाइयां बनी हैं। इन बातों पर हमें बहुत गर्व है। आपकी अस्मिता के लिए हमारी सरकार ने काम किया, इससे बड़ा कोई गर्व हमारे दिल में हो ही नहीं सकता। आपकी मान सम्मान की पहचान रखने के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में विकास करने के लिए और लाने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। आज तीज त्योहारों, हरेली, तीजा, पोला, रोक छेका पूरे देश में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आपके खेलों का बढ़ावा हुआ है। गोठान मंडल ने जो गाय, जो गौ माता आवारा हर जगह घूम के खेत खा रही थी, वहां चर रही थी आपके खेतों को, उनको यहां पे जो गोठान का मॉडल है उसको विश्व प्रसिद्ध बनाया गया है। आपको नुकसान नहीं हो रहा है? मैंने उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान देखा आवारा पशुओं से, और हमेशा मैं वहां कहती हूं कि देखिए सरकार ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में किस तरह से इस समस्या को सुलझाया है कि गौ माता भी खुश है और जनता भी खुश है। मेरी बहनों, जब भी मैं भगेल जी से पूछती हूं कि आपके लिए सरकार क्या कह रही है, तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यहां की मेरी आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय 10,000 रुपए तक बढ़ चुका है। मैं जानती हूं कि कितना संघर्ष होता है आपका, और तमाम प्रदेशों में कम मानदेय के साथ आप गुजारा कर रही हैं। यहां 10,000 रुपए का मानदेय मिलता है। 1,65,000 महिलाओं को अनीमिया से मुक्त किया, दाई दादा क्लिनिक शुरू की, और तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे आप आज, आपको बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो लूटना, भ्रष्टाचार करना, लोगों की पीड़ा को नकारना बहुत आसान हो जाता है। ये आपने भाजपा की सरकार में देखा, और आपने वो 15 साल भी भुगते। आपने देखा कि किस तरह से अब आपके सामने दो मिसाल हैं। एक मिसाल एक ऐसी सरकार का जो दिन रात आपके लिए काम करती है, और दूसरा मिसाल एक ऐसी सरकार का जिसने हमेशा सिर्फ लूट, आपसे अपनी संपत्ति छीनने का काम किया, आपको देने का काम नहीं किया, आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया,
आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम नहीं किया। तो सच्चाई आपके सामने है, अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। जब भी मैं भगेल जी के साथ काम करती हूं, उनसे मिलती हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, कभी नकारात्मक बातें नहीं करते, कभी किसी की चुगली, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कभी नहीं करते। हमेशा जब भी आते हैं वो मुझे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी नई योजना बनाई है, कैसा नया काम किया है, और मैं उनके चेहरे पर ये देख पाती हूं कि उनके दिल में सचमुच आपके लिए प्रेम है, आपको आगे बढ़ाने की इच्छा है। बहुत नेताओं से मैं मिलती हूं, कम ऐसे नेता हैं जो दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जिन पर आपका पूरा भरोसा हो सकता है और वो काम करके दिखाते हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कि जो यहां की सरकार है उसने आपका भरोसा रखा, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई, बस्तर को आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, और मेरी आशा है कि आप अपना भरोसा भी हम में रखेंगे। और जितने भी नेता यहां बैठे हैं इस मंच पर, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां आए हैं, उनको मौका देंगे कि आगे भी आपके लिए दिन रात एक करके काम करते रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत प्रेम दिया और मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूं। मैं निवेदन, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।